वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज हॉस्पिटल से आने के बाद किट्टो की तबीयत थोड़ी सी हो गई थी डाउन, क्योंकि थोड़ी सी नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। और क्या, अपना तो छोड़ के चले गए थे। रूपाली आपने गुड न्यूज दिया है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। यस, मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ। बहुत ध्यान रख रहे हो, कुछ चीजें छुपा के रखी जाती है, थोड़ी सी छुपी हुई है। कौन सा मंथ चल रहा है रूपाली? मेरे को थर्ड मंथ चल रहा है। रूपाली का जब छठवां मंथ होगा तब रिवील करेगी ना रूपाली। यस, आज क्या कह रही है? अभी क्या कह रही है? अभी नहीं, अभी वैसे ही मजे ले रही है, प्रेग्नेंट नहीं है ये। अच्छा गाइस, मेरा पेट ही मोटा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं मोटी हूं। बाबू क्या कर रहा है? आप पियो कि नहीं पियो? बॉटल का पियो ना, फिर फिट भी रहना। क्यों इतना परेशान करते हो? आंटी ने बताया क्या बनाया? तुम बेटू को डांटोगी? मम्मी दो प्याज बनाई है। दो प्याज खाना खाओ भैया, कल आराम। बाकी चार प्याज का है। अरे कोई बात नहीं, थकने दो हमें। बेटू किट्टू, क्या हुआ था तुमको आज? अरे मैं आई ना, पता नहीं आप कब चली भी गई। मैं बता के नहीं, मैं देखा आया, देखा तुम सो रही थी, बाबू सो रहा था। तुम बाबू किससे किया, फिर मैं चला गया। ऐसी बॉडी टूट रही थी, ऐसी टूट रही थी, टूट रही थी, मुझे इतना तेज फीवर हो गया, ठंड बहुत तेज दे रही थी, फिर मैं सो गई। सो के उठी, मम्मी सोते सोते मुझे हलवा खिला दी, फिर मैं उठी, इसको फीड उठ कराई। और इसको थोड़ी देर बाद रूपाली फोन की मुझे, फिर मैं बोली आ जाओ, डर लग रहा है। तो फिर आई, फिर उसको, फिर मेरे को ना वाई ऐसे बैठी थी, फिर मुझे खूब तेजी से बुखार देने लगा, बुखार देने को ठंड सी बहुत सी लग रही थी। फिर मैंने तेल रखा, दवा खाया, रूपाली को भेजा मैंने, जो और दवा लेकर आओ, तो वो दवा लेकर। रूपाली अपनी स्कूटी से गई थी? हाँ। तो स्कूटी चल गई आपकी? नहीं, रूपाली गई थी, सही में गई थी? फर्स्ट एड बॉक्स रखा तो है। क्या बेटू, क्या ले चाहिए? क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसको क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, मम्मा से क्यों परेशान कर रहा है बेटू? इनको दूध वगैरह पिला दे, थोड़ा सा नजर उजर डाल दे। मम्मी उतार देना, आज बुधवार है ना, बुधवार नहीं उतारा जाता। देखते किचन में क्या बना हुआ है। क्या बनाए मम्मी आज खाना? दो प्याजा क्यों बोलते हैं, चार नहीं डालती क्या आप लोग? गरम मसाला की सब्जी, गरम मसाला की सब्जी। टेबल पे ही खा लेते हैं, टेबल कंफर्टेबल रहेगा। आ जाओ टेबल पे खा लो। नहीं नहीं फैन नहीं, आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाइए इधर ही टेबल पे, इधर अच्छा रहता है, उधर बैठ के खाते नहीं बनता है। सो गाइस सब लोग आ चुके हैं, तुम लोग खाना खाने जा रहे हैं, सो रहे हैं खाना पीना भी खा लेते हैं। नहीं हम लोग जब दिन भर साथ में तो खाना ही खाएंगे। नहीं, यहाँ पे मम्मी है इसलिए मैं खाना खाने आती हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स दूर रहते हैं ना हमसे, तो नहीं नहीं उनके आके कभी। रूपाली ने गुड न्यूज दे दिया तो मम्मी ने बोला तुम यहीं आके खाया करो। हेल्थी हेल्थी, नहीं थक भी गई थी ना, थक गई थी तो। एक ही खाओगी बेटू? बेटू मम्मी रोटी लो थोड़ी सी, ये सो जाएगा, सुला दो उसको। तो खाने में है सैलेड, दो प्याजा, चार प्याजा क्यों नहीं बोलते, मैं पूछ रहा था कब से। कैसे पनीर दो प्याजा, क्यों पनीर दो प्याजा नहीं बोलते? कल चिकन दो प्याजा क्यों बोलते हैं? परसों तुम्हारा बर्थडे है यार, कल बहुत काम है मेरे पास। चंदनिया छुप जाना रे, पल भर में इतना काजल लगा दियो, मत दिखाओ लगाया है ना। मम्मी आप भी खा लो, लेकर गुड मॉर्निंग। और तबीयत मेरी नहीं सही है, कल मेरा बर्थडे भी है। अंदर से तबीयत बहुत ज्यादा, अंदर से कमजोरी, बुखार यही है बस, और बॉडी में बहुत पेन, शरीर इतना अट रहा है, इतना अट रहा है, एक एक अंग दर्द कर रहा है। दवा लेकर आए हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैंने डॉक्टर से शेयर किया, तो बहुत सारे दूध में दिए और पीने के लिए सिरप दिया है, पीने के लिए दवा दिया है, तीन टाइम खाने के लिए। तो
यहाँ पे मम्मी ये पंचमेवा जो फ्रूट ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका डेली हलवा बना के देती हैं मुझे मेरे हस्बैंड को। तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा आप भी खा लिया करो, पर मम्मी आज फास्ट है तो नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा सा बहुत खाली होती तो नहीं खाया उन्होंने। तो अभी आज दूध नहीं है घर में, तो उठ गए हैं दूध लेने, 10 बज गया, अभी तक चाय नहीं बना है और बाबू को मेरा सो रहा है। अभी मैं इसको दूध पिला के सिला दी, कल फीवर था तो मैंने इसको दूध नहीं पिलाया अपना, और उसके बाद मैंने वो वाला दूध पिलाया, क्या बोलते हैं पाउडर वाला। और मुझे भी 2 टाइम दूध पीना है पाउडर में मिक्स, मतलब उसमें मिक्स करके दूध में डाल के। इतना ज़्यादा बोले डॉक्टर जितना ज़्यादा रेस्ट करना हो उतना कर लो, फिर उसकी तो बॉडी बहुत फैल जाएगी और हवा, मतलब जो भी अपने हिसाब से बताएंगे, अब कितने बताए मित किटो जैसा भी तो बताया था, इस पर भी क्या बताना ज़रूरी है। तो कल बर्थडे है और हमने ड्रेस भी नहीं लिया, मैं इतना ढूंढी मुझे मिला ही नहीं, तो मैं लूँ कहाँ से। बापू उठिए बेटू, गुड मॉर्निंग बोलिए सबको। एक बार मम्मी मालिश की, एक बार मैंने मालिश किया, तो बाबू सो गए मेरे, बाबू सो गए, बाबू सो गए मेरे, ये देखो गाइस ये देखो। चलिए हम हलवा खा लेते हैं, फिर आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। यहाँ पे बाबू उठ, बाबू का पट्टी दिख गया, पट्टी मत दिखाओ। यहाँ पे बाबू उठ गया है, इनका मालिश हो गया है, इनकी नानी जी ने इनका मालिश कर दिया है, मम्मी के नानी के नाक पे काजल लग गया है, मम्मी आज वीरवार का व्रत है। तो देखो बाबू, देखो जाओ मम्मा, कल मम्मा का बर्थडे है, कह दो हैप्पी बर्थडे मम्मा। मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी, तो जाओ ले लो कपड़ा। मैं नहीं लूंगी कपड़ा, क्यों दिला दो, चलो चलो दिला, चलो 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 चलो, मैं मम्मा कपड़ा दिला दी, चलो चलो, एक मेरे को दिला, एक मेरे बेटे को, चलो। तो चलिए इसकी नानी इसको आज कपड़ा दिलाने जा रही हैं, कपड़ा पहनेंगे हम दोनों बेटे नए नए, माँ बेटे नए नए कपड़े पहनेंगे, पापा पापा पुराना पहनेंगे। ए छिन्नु मुन्नु मल्ली मल्ली हो गई क्या, 2 महीना का हो गया, 1.5 महीना, 2 महीना का, 1.5 महीना का नहीं भूल पावे। ये बहुत नौटंकी बाज है, किसे दिख रहा है, दिख रहा है, देखो 9 को 1 महीना हुआ था, 9, 10, 11 इसमें मतलब 5-6 दिन, इसमें 7, 1 महीना 7 दिन का हुआ, तब से 1.5 महीना का हो गया। अरे फुचुंकुआ मेरा देखो मोटा नहीं रहा है, फुचुंकुआ मेरा मोटा नहीं रहा है, बहुत जब मैं मिस्ती हूँ तब मुँह सुसु कर देता है, मेरी साड़ी भिगो देता है सुसु सब क्या। हम भी जब मालिश करते हैं, आज मेरे पर 3 बार मालिश सुसु किया, तब इसको डायपर पहना दिए हम, बबुआ कपड़े भी गीले कर देता है। बबुआ का नाम क्या रखा जाए, कान्हा जी, ओ कान्हा जी, लड्डू गोपाल है क्या, ये मेरा बच्चा है क्या, ऐसे ही दिन भर होता है गाइस। गाइस इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और बाबू के लिए थोड़ा गदिया लेना है, पूरा बिस्तर मतलब बाबू सुसु कर देता है तो पूरा बिस्तर वगैरह सब गीला कर देता है, उसके लिए चलते हैं, आज हम गदिया ले लेते हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और कल बर्थडे है तो अगर आप लोग को विश करना रहेगा तो आप लोग विश कर दीजिएगा, और देखते हैं हम मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, क्योंकि तबीयत ऊपर से सही नहीं है। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।